नमस्कार एनबीसी 24 पे मैं रत्नेश पांडे आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। देखिए पटना राजधानी पटना में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि सरेआम कट्टा बंदूक और पिस्टल लेके घूमते नजर आते हैं। और इतना ही नहीं इनके इन हरकतों की वजह से फायरिंग की वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं पटना के स्थानीय निवासी हैं वो काफ़ी परेशान हो गए। एक ऐसा ही मामला आया है बीती रात का जब राजीव नगर के एक इलाके में जो है भूमि विवाद को लेकर के आपसी रंजिश में गोलीबारी हुई है और गोलीबारी में एक व्यक्ति जो है वो घायल हुआ है, लेकिन घायल व्यक्ति गोली लगा है। गोली लगने के बाद से वो व्यक्ति फरार है। अब पुलिस जो है इसकी खोजबीन कर रही है कि आखिर वो व्यक्ति गया कहाँ। लेकिन जिस इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया है उस इलाके में लोग दहशत में रहते हैं। और ये पहला मामला नहीं है जिसने ये घटना को अंजाम दिया है। ऐसे कई मामले जो हैं उस मोहल्ले से उस इलाके से निकल करके आते हैं, लेकिन पुलिस बावजूद इसके कुछ भी नहीं करती है। ये लड़कों का एक गिरोह है और ये भूमि विवाद का मामला है, दलाली का मामला है, जिसमें लड़के जो हैं वो रात के अंधेरे में आते हैं और किसी भी घर के द्वार पे बैठ जाते हैं और वहीं से विवाद जो है उनका शुरू होता है और विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि वो गोलीबारी तक बात आ जाती है। एक ऐसा ही मामला राजीव नगर से आया है जहां पे हमारे क्राइम संवाददाता चंदन तिवारी पहुंचे हुए थे। पहले देखिए वहां पे क्या कुछ मामला हुआ है, परिजनों ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। हाँ बारिश हो रहा है। हम लोग बोले हटने के लिए थे। वो गोली लगा तो वहाँ बैठ गया। अरे कहाँ कहाँ गोली लगा, यहाँ गोली लगा नहीं किया। मैंने गोली लगा हुआ उधर ही बचने के कारण शरीर में लगा हुआ था। सर में गोली लगा, पैर में गोली लगा, पैर में गोली लगा। अभी जो खून गिरा पैर एक गिरा। और चलिए अब कहाँ से भाग के आया वो हम लोग, एक सही था और एक को गोली लगा हुआ था। कहाँ से भाग के आया, कैसे लगा हुआ क्या, वो हम लोग को थोड़े पता है। कहीं राही आके यहाँ पर बैठा हुआ था। हम लोग बोले कि गेट बंद करना है, वो तो बलट देख के निकल गया। लड़ाई झगड़ा हुआ था वो भी हम लोग नहीं जानते। कितनी गोली की आवाज सुनी थी? एक को गोली की आवाज हम लोग नहीं सुने। बलट की तो उसे देखा मारिया। अब बलट आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बलट देखे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। नहीं, एक गोली लगा हुआ था, एक साथ था जो है तो प्रूफ थाना भी देखे गए। आप लोग भी देखिए, कोई भी आके देख सकता है। हम लोग थोड़े खत्म किए हैं। बनाए हुए डर कौन चीज के है? चोरी गोली उली चल रही है? नहीं, पिछले दिनों भी पीछे में गोली चला। हम लोग नहीं थे तब, बच्चा लोग घर में था तो चला होगा। अच्छा, आप लोग को डर लगता है? आप लोग को डर लगता नहीं, है? नहीं नहीं, हम बोले नहीं, हम बोले। अच्छा, आवाज बोर्ड का यहाँ काम चल रहा है, आए दिन गोली चलते रहता है भू माफियों के बीच। प्रशासन को देखना चाहिए, तो प्रशासन देखेगा। हम लोग प्रशासन का काम है ना देखना। क्या प्रशासन को जो काम करनी चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं? अगर काम होती तो आए दिन तो गोली नहीं चलती। आज दिन गोली चल रही है? आज दिन तो गोली चल ही रही है। डर लगता होगा आप लोगों को? डर तो लगेगा ही ना, डर तो हर किसी को। आप ही के सामने गोली चलेगा तो क्या आपको डर नहीं लगेगा? जिस समय घटना हुआ था उस समय आप घर में ही थे? नहीं, हम ऑफिस से आए ही थे, जस्ट आए थे। उसके बाद हम लोग 8:30-9 बजे अपना गेट बंद करते हैं, तो वही गेट बंद करना है तो देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे पड़ा हुआ था। अच्छा। उसके साथ भी एक व्यक्ति था, फिर हम लोग यहाँ से हटाए कि आप लोग जाइए अपने यहाँ। यहाँ क्यों बैठे हुए? गोलीबारी चल चुकी है इधर। नहीं तो हमेशा इधर तो बहुत। कितना देर बाद पहुंची है? आधे घंटे के बाद। तो आपने सुना किस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया कि ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि अक्सर यहाँ पे ये घटनाएं होती रहती हैं और जिससे जो है हम काफी दहशत में रहते हैं। और बावजूद इसके पुलिस जो है वो भी कुछ कहते हुए नजर नहीं आती है। और जब पुलिस से सवाल किया जाता है, सुनाते हैं हम आपको, संजय कुमार DSP हैं कोतवाली के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। गोली चली है? हाँ गोली चली है, ये जानकारी मिली है। क्या जानकारी मिला है अभी? गोली किनको लगी है, किनके द्वारा चलाई गई है, इसकी जानकारी नहीं है। इस संबंध में हम लोग जाँच कर रहे हैं। कई अस्पताल को दिखवाया गया है, अभी जख्मी का पता नहीं चल पाया। कितने लोगों को लगी है सब कुछ पता चला? एक को। विवाद क्या था? अभी पता ही नहीं है, न गोली चलाने वाले का पता है, न गोली लगने वाले का पता है।
तो अभी घटनास्थल पे खून उन गिरा हुआ। जी हाँ। खोखा उखा बरामद हुआ? नहीं। तो आपने पूरा मामला समझा कि संजय कुमार कोतवाली, उन्होंने कहा कि हम उसकी छानबीन कर रहे हैं, हालांकि परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये मामला हमेशा आते रहता है और यहाँ पे स्थानीय निवासी जो हैं वो काफ़ी दहशत में रहते हैं। वहाँ पे उस सड़क पे जो है महिलाएं आती हैं उस सड़क से और गली पर, गली के अंधेरों में इन गिरोह का जो गिरोह है, सरगना है, वो वहाँ पे खड़ा रहता है, आपसे रंजिश होती है और गोलीबारी वहाँ पे अक्सर चलते रहती है। तो पटना के राजीव नगर में बीती रात अंधाधुन जो है वो गोली चली, बावजूद इसके पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। अक्सर पटना में ये खबरें अब आम होती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पे अपराधियों का मनोबल जो है काफ़ी बढ़ गया है और अपराधी अंधाधुन फायरिंग करते नज़र आते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, जुड़े रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद सभी दर्शकों का।